की जा रही है। जिला सहकारी बैंक लिमिटेड गोरखपुर की 72वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक मुख्य अतिथि कोऑपरेटिव बैंक लखनऊ के सभापति जितेंद्र बहादुर सिंह की मौजूदगी में संपन्न हुई। वहीं बैठक की अध्यक्षता सभापति विजय प्रताप सिंह ने की। बैठक में जिला सहकारी बैंक लिमिटेड गोरखपुर से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं व बैंक से मिलने वाले लाभ सहित अन्य विषयों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैंक के कर्मचारियों की तरफ से या बैंक में नहीं है सर, पर बहुत मैंने कह दिया और जो अपनी सीमा से कह दीजिए चेयरमैन सर। मुख्य अतिथि श्री जितेंद्र बहादुर सिंह जी सभापति उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लखनऊ के कार्यक्रम में बैंक के उपाध्यक्ष एकदम कोई काम नहीं हो रहा था तो सारी समितियों के चलाने के लिए उनका आभार चलाया जा रहा है जिससे सीधे गांव और किसान और गरीब लोगों का फायदा होता है। उनके लिए सारे व्यवस्था काम करें और अपने क्षेत्रों का हर क्षेत्रों का जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेते हुए उनका विकास आज की लंच करने के बाद की जाए। और इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सभापति विजय प्रताप सिंह व जितेंद्र बहादुर सिंह ने बताया। मैं सबसे पहले जिला सहकारी बैंक गोरखपुर के सभापति महोदय जी का और समस्त संचालक गण का और कर्मचारी गण का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बहुत सफल 72वां वार्षिक सामान्य निकाय बैठक का आयोजन किया और ये सभी शुभकामनाएँ मेरी तरफ से कि आने वाला समय जिला सहकारी बैंक गोरखपुर इसी तरह उत्थान की ओर बढ़ता रहे। अब सहकारिता जो है धीरे धीरे बहुत व्यापक स्वरूप ले रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, और सहकारिता का जो व्यापक स्वरूप तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ देश की आर्थिक मजबूती में ये एक बहुत मजबूत कड़ी का काम भविष्य में करने वाला है। सहकारिता के क्षेत्र में बैंकिंग का क्षेत्र भी एक बहुत ही आदर्शपूर्ण और आर्थिक रूप से आम जनमानस को और ख़ासकर जो हमारा जो कमज़ोर किसान है जिन उनको आर्थिक तौर पे और एम्पावर करेगा। खाद और बीज और उनकी जितनी भी संसाधनों की जो आवश्यकता है हमारे सहकारी बैंकों के माध्यम से उसकी पूर्ति होगी और मैं एक बड़ा उज्जवल भविष्य सहकारिता के क्षेत्र में देख रहा हूँ। भाजपा की सरकार आई है, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं, अमित शाह अब तो पहले सहकारिता विभाग ही केंद्र में नहीं था लेकिन सहकारिता विभाग वहाँ एक नया स्थापित किया गया और प्रधानमंत्री जी के कृपा से जिसके मंत्री अमित शाह जी हुए और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी का सहकारिता पर पूरा सहयोग हर तरह का वो सहयोग देते रहते हैं, पैसा कौड़ी मिलता रहता है हम सरकार से हमेशा। हमारे एक मंत्री जी जेपीएस राठौर जी हैं जो पूरे प्रदेश में घूम घूम करके मीटिंग भी किए हैं, हर जगह उन्होंने अपना सबको बताया है।